जादू देखना किसे पसंद नहीं, लेकिन अगर आपको इन हैरत अंगेज मैजिक ट्रिक्स के पीछे की हकीकत देखनी है तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। हेड ड्रॉप। ये एक ऐसी ट्रिक है जिसे देखकर कोई भी हैरत में पड़ जाएगा। जादूगर का नीचे गिरता हुआ सिर दर्शकों को भौचक्का कर देता है और सभी सोचते हैं कि शायद जादूगर के शरीर में ही कुछ अलग खासियत है, जबकि हकीकत में खासियत जादूगर के शरीर में नहीं बल्कि जादूगर द्वारा पहने गए कपड़ों में है। इस ट्रिक को करने के लिए आपको एक बड़ा सा कोट या जैकेट लेना होगा, जिसके अंदर आपको एक कस्टम मेड फ्रेम डालना है। अगर आप चाहें तो ये फ्रेम एक हैंगर की मदद से घर पर खुद भी बना सकते हैं। इसके बाद आपको एक हाथ में ये फ्रेम पकड़ना है और अपनी गर्दन नीचे करनी है। कोट के अंदर लगा ये फ्रेम आपके कंधों को उठा के रखेगा और देखने वालों को लगेगा कि जैसे आपकी गर्दन नीचे गिर गई है। चाकू की ट्रिक। गौर से सुन लीजिए, कृपया आप इस अगली ट्रिक को प्रॉपर ट्रेनिंग के बगैर आजमाने की कोशिश ना करें, क्योंकि ऐसा करना खतरनाक हो सकता है। इस ट्रिक में मजीशियन एक चाकू लेता है जो कि बेहद धारदार है और फिर कुछ ऐसा करता है। जी हाँ, जादूगर इस चाकू को अपने हाथ के अंदर तक पहुंचा देता है, लेकिन इस दौरान खून की एक बूंद तक निकलते हुए दिखाई नहीं पड़ती। और तो और, चाकू वापस निकालने के बाद जादूगर के हाथ पर एक खरोंच भी नहीं दिखती। मुझे नहीं लगता कि उसके पास कोई हीलिंग पावर होगी, तो फिर उसने ऐसा कैसे किया? मैजिशियन का हाथ भी देखने में असली लग रहा है, मतलब कि यकीनन इस ट्रिक का सीक्रेट चाकू में छिपा है। ये चाकू तो बेहद तेज है, लेकिन इसके अंदर से निकलने वाला हिस्सा बिल्कुल भी धारदार नहीं है। तो अब आप समझ ही गए होंगे कि जादूगर ने यहाँ क्या किया। आग का खेल। बता दें कि तमाम जादूगर अपने काम में बेहद प्रोफेशनल होते हैं, तो कृपया आप इनकी तरह आग से खेलने की कोशिश ना करें, क्योंकि जादूगर अपनी हर एक ट्रिक को हजारों बार प्रैक्टिस कर चुके होते हैं। जैसा कि अगली ट्रिक, जिसमें जादूगर एक आग जलती हुई मोमबत्ती लेता है और फिर उसकी आग से खेलने लगता है। कुछ देर आग को हाथ में रखने के बाद जादूगर मोमबत्ती को वापस उसकी लौ लौटा देता है। तो क्या इस जादूगर के पास भी मार्वल के किसी सुपर हीरो की तरह आग से उलझने की शक्ति है? जी नहीं, ये पूरा दिमाग का खेल है। दरअसल यहाँ जादूगर एक नकली अंगूठा पहने होता है, जो कि अपने आप में एक तरह की मोमबत्ती ही होती है। दर्शकों के आगे अपने हाथ की उंगलियां करके जादूगर बड़ी ही सफाई से मोमबत्ती से अपने नकली अंगूठे की बत्ती को जला देता है। देखने वालों को लगता है कि मानो जादूगर ने मोमबत्ती की आग छीन ली हो। इसके बाद अपने नकली अंगूठे से मोमबत्ती को वापस जलाकर मोमबत्ती से ही वो अपने अंगूठे की बत्ती को बुझा देता है। वैसे देखने में भले ही सिंपल लगे, लेकिन इसे करने के लिए आपको प्रॉपर ट्रेनिंग की जरूरत पड़ेगी। उड़ती सोडा केन। जादूगर अक्सर कई चीजों को हवा में उड़ाते हुए दिखते हैं, क्योंकि इस तरह की ट्रिक्स हर किसी को पसंद आती है। ऐसा ही एक ट्रिक है सोडा केन को हवा में उड़ाने की, जहां जादूगर केन को अपने हाथों में पकड़े होता है और अचानक ये केन हवा में तैरने लगती है, जिसे देखकर लगता है मानो जादूगर केन को रोकने की कोशिश कर रहा है, लेकिन केन है कि आगे चली जा रही है। ये जादू दिखाते हुए जादूगर ऐसा दिखावा करता है कि मानो ये केन उसके दिमाग की शक्ति से उड़ रही है, जबकि हकीकत में यहाँ दिमाग की नहीं बल्कि एक नकली उंगली की शक्ति का इस्तेमाल किया गया है। इस उंगली के आगे एक सक्शन कप है जो कि केन से चिपका हुआ है, मतलब कि महज हाथ की सफाई और दर्शकों के सामने सही एंगल से खड़े होने का कमाल है। विज्ञान का चमत्कार। ये अगली मैजिक ट्रिक्स फिजिक्स के नियमों पर आधारित है, जिसमें मैजिशियन पानी भरे हुए एक गिलास को उल्टा करता है और इसमें से पानी बाहर नहीं निकलता। ये मैजिक दिखाने के लिए जादूगर पहले एक साधारण कांच का गिलास लेता है, उसे एक बाल्टी में रखे पानी से आधा भर देता है
और फिर कार्डबोर्ड के एक टुकड़े पर ये ग्लास उल्टा कर देता है। इस दौरान थोड़ा सा पानी तो बाहर निकलता है, लेकिन अधिकतर पानी गिलास के अंदर ही रहता है। वैसे आखिरकार ये तो बस शुरुआत है। अब देखिए असली मैजिक। कार्डबोर्ड का टुकड़ा हटाने के बाद भी पानी गिलास से बाहर नहीं गिरता। इसके बाद मजीशियन तीन तक गिनती करता है और पानी वापस बाल्टी में गिर जाता है। तो आखिर जादूगर ने ऐसा कैसे किया? ये समझने के लिए पहले आपको उस ग्लास को गौर से देखना होगा। आप देखेंगे कि इसके तल के पास एक छोटा सा छेद बना हुआ है, जिसे उंगली या अंगूठे से बंद किया जा सकता है। अगर आप इसे बंद नहीं करेंगे तो पानी बाहर गिर जाएगा, जो कि एलिमेंट्री फिजिक्स है। इसके अलावा इस ट्रिक में जादूगर कार्डबोर्ड के ऊपर एक गोलाकार प्लास्टिक का ढक्कन छुपाए होता है। ये ढक्कन नीचे लगाए हुए जादूगर गिलास के तल के पास बने छेद को दबाए रखता है, जिससे एक प्रकार का वैक्यूम क्रिएट होता है। इसके बाद तीन की गिनती पर जादूगर अपनी उंगली छेद पर हटाते ही पानी नीचे गिरता हुआ पड़ता है।